तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज बनाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आज हम बनाएंगे बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला रोस्टेड कॉर्न बटर। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। वैसे तो हम सभी इसे भुना हुआ भुट्टा कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो मकाई ली है, इसके ऊपर के सारे कवर हम निकाल लेंगे। अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे, यानी कि इसे भून लेंगे। गैस पे मैंने यहाँ पर एक जाली रखी है, यह आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अब हम इसे जाली के ऊपर रख देंगे और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। जैसे कि ये देसी मकाई है तो इसका दाना काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन ये खाने में काफ़ी मीठा लगता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मकाई को काफ़ी अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम इसके लिए एक मसाला रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो हमारा मकाई का मसाला बिल्कुल रेडी है। भुनी हुई मकाई को हम प्लेट में अरेंज करेंगे। वीडियो के स्टार्ट में जैसे कि हमने इसका ऊपर का कवर निकाल दिया था, तो यहाँ पर मैंने इसे प्लेटिंग करने के लिए यूज़ किया है। इसके ऊपर लगाने के लिए हमने जो मसाला रेडी किया था वो भी हम इसके साथ रखेंगे। साथ ही में हम नींबू भी रख देंगे। अब हम इसके ऊपर मेल्टेड बटर लगाएंगे। इससे क्या होगा कि मकाई का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर हमने दोनों मकाई पर काफ़ी अच्छी तरीके से बटर लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया गार्निश करेंगे। इससे क्या होगा कि ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इसे एक चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसके ऊपर नींबू लगाएंगे। नींबू को पहले हम मसाले में डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे। सो गाइज, ये रहा हमारा बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा और यमी सा रोस्टेड कॉर्न बटर मसाला। कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी फैमिली को सर्व कीजिएगा। बारिश के मौसम में बनने वाली ये एक बहुत ही खास रेसिपी है जो अक्सर हम सभी को पसंद आती है, इसीलिए आज मैंने आप लोगों के साथ ये एक सिंपल रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी। वैसे तो सारे कुकिंग चैनल्स पर ये कहा जाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरी सारी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, इसे आगे तक शेयर कीजिएगा और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।